अस्सलाम वालेकुम माय ड्यूटी फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप ठीक ठाक होंगे व्यूवर्स। आज ये मेरे पास है एप्लिक वर्क ड्रेस है मेरे पास। इसके दामन पे, स्लीव पे और ट्राउज़र पे भी एप्लिक वर्क हुआ है। ये दूसरे ड्रेसेस से ज़रा डिफरेंट ड्रेस है, बहुत प्यारा है ये। और इसकी नेकलाइन हम खुद तैयार करेंगे। शर्ट की टोटली कटिंग वगैरह मैंने कर ली है, बाकी इसकी नेकलाइन की कटिंग जो है वो मैं आपके सामने करूँगी। इसके स्लीव और जो ट्राउज़र है उसके ऊपर एक एक मोटिव बना हुआ है एप्लिक वर्क का। जस्ट ये मैं डीप नेकलाइन कट कर रही हूँ और हम सेपरेट से एक नेकलाइन तैयार करेंगे और ऑर्गेन्जा के ऊपर वो इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। बहुत ही यूनिक डिफरेंट सी हम स्टाइलिश ये नेकलाइन रेडी करेंगे। आप देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी हिस्सा इसका स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से मैं सिखाऊंगी इसको कैसे कवर करना है। क्योंकि वीडियो तो हम स्किप कर देते हैं जल्दी के चक्करों में, बट ये है कि काफ़ी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। फिर आप कोई भी वेस्टेड न्यूज़पेपर ले लें, क्योंकि ये बाद में रिमूव करना बहुत ईजी होता है। इसके ऊपर पहले मैं निशान लगा लूँगी। Thank you.
डियर व्यूवर्स, मेरा ड्रेस कंप्लीट हो गया है, बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए आप, इसकी नेकलाइन बहुत डिसेंट सी लग रही है। मैंने ओवर लेस मल्टी कलर नहीं दिए क्योंकि नीचे एप्लिक में भी मल्टी कलर, आप देख सकते हैं कि जो नीचे ये बना हुआ सी ग्रीन कलर का कटवर्क, इसी तरह मैंने डिटेलिंग भी जो है ना दामन की उसी कलर की लैस से की है। अगर आप सेम बॉर्डर के साथ या सेम शर्ट के साथ लैस मैच करके लगाते हैं तो एक फिनिशिंग लगती है, लुक अच्छी आती है। अगर आप ऑपोजिट ज़्यादा लगाएंगे वो लैस ही लगेगी। ये इसके पजामे के ऊपर भी एप्लिक वर्क के मोटिव बने हुए हैं और नीचे जो आप देख लें गौर से, मैंने स्ट्रेट पजामा बनाया है इसके साथ। अब इसका दुपट्टा देखें ज़रा, उसके ऊपर भी एप्लिक वर्क हुआ है और साथ में फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं। बहुत ही डिसेंट सा कलर है ये, मस्टर्ड और स्किन का टच है। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी मेरी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।